सबसे पहले आप सब यहाँ आया तो धन्यवाद, थैंक यू। तो आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का कारण है कि हम बीजेपी और बीजेवाईएम, मैं तो मतलब अभी बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा का हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो वहाँ से हम रिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। मेरा मकसद बीजेपी से रिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। आप क्यों बीजेपी से रिजाइन किया? हाँ, रिज़ाइन करने के लिए हम आप लोग को बुलाया, तो रिज़ाइन का मकसद बहुत बड़ा है। मेरा रीज़न बहुत दुख का बात है कि मैं 2013 से मैं बीजेपी में हूँ, और मैं 2017 से मैं स्टेट सेक्रेटरी का 3 साल हम दायित्व निभा के आया है। तो 3 साल दायित्व निभाने के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ अपॉइंट किया, डिमासा डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो 2019 को मतलब मेरा ऐसे युवा मोर्चा प्रेसिडेंट जब अपॉइंट हुआ मेरा, तो हमको लगा कि मेरा यूथ, ऐसे सबको मालूम है कि यूथ पावर इज नेशन पावर, तो मैं युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। उसी उसी हिसाब से मेरा यूथ इतना स्ट्रांग हो गया, मेरा साथ यूथ इतना ज़्यादा हो गया, तो मेरे को एक टीम, मेरे को एक सपोर्ट मिला। तो उसमें एक मेरे को करेज भी हो गया कि हाँ यस, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आने का मकसद यही है कि आगे जाके लीडर बनना। तो लीडर बनने के लिए तो एक टीम चाहिए, यूथ सपोर्ट चाहिए। तो मैं तो युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, डिमासा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो उसी का हिसाब से मेरा साथ बहुत यूथ टीम हो गया, और यूथ का साथ सपोर्ट है, यूथ का पेरेंट्स भी मेरा साथ सपोर्ट है। यूथ है आगे निकलने के लिए, लेकिन यूथ का पेरेंट्स हम लोग को गाइड करने के लिए, तो उसमें मेरा पूरा सपोर्ट है। तो हम निकल गया, तो 2019 का लास्ट का चुनाव में भी मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला। उसमें मेरा कुछ वीक पॉइंट था, शायद मैं मैच्योर नहीं है, तो मैच्योर नहीं है क्योंकि टिकट का मांग करने से टिकट मिलना ज़रूरी वो भी नहीं है। उन लोग को थोड़ा, मेरे को थोड़ा लगा कि आप थोड़ा उम्र कम है, आपको और आगे बढ़ना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने पूरा इज्जत से मान सम्मान से मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 साल के बाद इस बार फिर आया है, तो इस बार फिर मैंने फिर कोशिश किया है। तो कोशिश कोशिश करने से पहले हम लोग को पार्टी से भी एक सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो हमको मिला है। मेरा स्टेट टीम से भी हमको एक एडवाइस मिला, डिस्ट्रिक्ट से भी हमको एडवाइस मिला, और साथ ही साथ लीडर्स लोग से भी हमको एडवाइस मिला है कि आप बहुत साल पार्टी का काम किया है, आप इतना एक्टिवली काम किया है, और महिला होके युवा नेत्री, वो मतलब सबसे बड़ा मेरे लिए गर्व का बात है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक महिला है युवा मोर्चा का, वो सबसे बड़ा गर्व है मेरे लिए। तो एक युवा नेत्री अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संभाल, डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकता है, तो हाफलोंग के लिए भी क्यों नहीं सकेगा। हम हाफलोंग से टिकट मांगा है, 13 इलेक्शन एनसीएस ऑटोनोमस से हम इस बार भी मांगा था, तो नहीं मिला। तो अभी मेरा रीज़न है कि आज बीजेपी युवा मोर्चा से रीज़न देने का मतलब है कि अभी मेरा पब्लिक, मेरा टीम, मेरा यूथ हमको बोलता है कि आपको नहीं बैठना है, आपको चुनाव जैसे भी लड़ना है। तो अभी चुनाव लड़ना है, तो अभी बीजेपी से तो टिकट तो डिक्लेयर हो गया, टिकट तो एक को ही मिला है, तो उसमें तो अगर हमको जाना है तो इंडिपेंडेंट में ही हमको खड़ा होना है। तो इंडिपेंडेंट में अगर खड़ा होने के लिए तो हमको मेरा ये पार्टी से रिज़ाइन देना ज़रूरी है। तो मैं बीजेपी से और भारतीय जनता युवा मोर्चा से हम रिज़ाइन देने के लिए यहाँ बुलाने का कारण तो मेरा वही है, और इतना तक सपोर्ट मिला है कि अगर इंडिपेंडेंट में भी हम खड़ा हो जाएगा तो मेरा यूथ टीम पूरा सपोर्ट में है।